उसी वक्त आपको याद होगा उस फ्लड्स के बाद 2023 की जनवरी में जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्लड रिहैबिलिटेशन के हवाले से। सूबा सिंध ने उसके अंदर, अब आप ये वो वक्त देखें, अभी तो हमें IMF की पहली ट्रांच मिल गई है, 7 अरब की IMF की डॉलर की पैकेज है जो हमें मिल रहा है, उसकी शराइत बड़े सख्त हैं। उस वक्त फ्लड्स के लिए, और ये मैं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट से सपोर्ट ज़रूर थी, यानी वो मना नहीं कर रहे थे, लेकिन सारी मेहनत जो थी वो हुकूमत सिंध की थी। हमने उस डोनर्स कॉन्फ्रेंस में 1.7, जिसमें 500 मिलियन मैंने ये बताया घरों वाले थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक थी, कुछ बायलैटरल्स थे, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का था, हम 1.7 बिलियन डॉलर्स सिंध हुकूमत रेज कर चुकी थी फॉर दैट डोनर्स कॉन्फ्रेंस। और उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह यही थी कि हम कोई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं कर सकी है। एक चीज़ और जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ, जिसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन हुई है, ना सिर्फ इंटरनेशनल, मतलब पहले तो इंटरनेशनल रिकग्निशन ही, फिर हमारे, खैर इस वक्त तो हम मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोलेशन में नहीं है, लेकिन उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं और पहले कोलेशन में भी थे, लेकिन अब हमारी एक हिस्ट्री रही है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, कोई अच्छे ताल्लुक नहीं रहे, क्रिटिकल रहे हमारी बातों पर, लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज के लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में कई बार कह चुके, बल्कि कहते हैं कि हम में आप सिखाएं, तो मैं नहीं कहूँगा असिस्ट करें कि आपने ये कैसे अचीव किया है। और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से भी, अभी नहीं, आज से 4 साल पहले 2020 में, तब तक इतना डेवलप हो गया था कि इकोनॉमिस्ट जो मैगज़ीन है लंदन से निकलता है, उसने